खालिस्तानी आतंकवादी गुरु पतवंत सिंह पन्नू के मर्डर की साजिश का मामला नए स्तर पर पहुंच गया है। न्यूयॉर्क की जिला अदालत में इस मामले को लेकर अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने चार्जशीट दायर कर दी है। इस चार्जशीट में हत्या के षड्यंत्र को लेकर बहुत सारी खास बातें बताई गई हैं। जैसे इस चार्जशीट में हत्या की कोशिश में शामिल लोगों का जिक्र किया गया है। इसमें एक नाम निखिल गुप्ता का है। निखिल गुप्ता पर हत्या के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगा है। निखिल गुप्ता को फिलहाल चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया जा चुका है। चार्जशीट में भारत सरकार के एक कर्मचारी का भी जिक्र है, हालांकि उसका नाम अभी नहीं सामने आया है, नहीं बताया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस कर्मचारी ने ही निखिल गुप्ता को खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू को मारने का इंतजाम करने के लिए कहा था और इसी ने पन्नू से जुड़ी सारी जानकारी भी दी थी। तो भारत सरकार के कर्मचारी का जिक्र है, हालांकि नाम अभी सामने नहीं आया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क की जिला अदालत में पेश की गई इस चार्जशीट में हत्या की साजिश में निखिल गुप्ता और भारत सरकार के कर्मचारी के शामिल होने की बात कही गई है। इस चार्जशीट में दावा किया गया है कि कर्मचारी के कहने पर ही निखिल गुप्ता ने अपने एक लिंक के जरिए शार्प शूटर से बात की थी। अमेरिकी कोर्ट में दाखिल की गई इस चार्जशीट में आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के भंडाफोड़ करने की कहानी बताई गई है। 15 पन्ने की इस चार्जशीट में हत्या के षड्यंत्र को लेकर जो कहा गया है, जो लिखा गया है, वो अब हम आपको आसान भाषा में समझा देते हैं, बता देते हैं। खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या के षड्यंत्र के बारे में चार्जशीट में जो बताया गया है, उसके मुताबिक इस खेल में चार लोग शामिल थे। पहला शख्स है भारत सरकार का तथाकथित कर्मचारी, दूसरा शख्स है निखिल गुप्ता, तीसरा शख्स है एक बिचौलिया जिसे निखिल गुप्ता और किलर की बात करवाई, यानी हिटमैन की बात करवाई, चौथा शख्स है शार्प शूटर जिसे पन्नू को मारने की सुपारी दी गई थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इस षड्यंत्र के बारे में अमेरिका को आखिर कैसे पता चला? तो चलिए ये समझने से पहले आपको हम इस पूरे खेल में शामिल लोगों के बारे में जानकारी दे देते हैं, बता देते हैं। चार्जशीट में भारत सरकार के जिस तथाकथित कर्मचारी का जिक्र किया गया है, उसके बारे में दावा है कि वो CRPF का कोई सीनियर फील्ड ऑफिसर है और इसी ने खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू को मारने के लिए भारत में रहकर पूरी योजना तैयार की थी और समय समय पर निखिल गुप्ता को सूचनाएं और मदद मुहैया करवा रहा था। चार्जशीट में मुख्य आरोपी के तौर पर निखिल गुप्ता का नाम सामने आया है। निखिल गुप्ता के बारे में चार्जशीट में बताया गया है कि उसी पन्नू की हत्या की साजिश को अंजाम देने का प्लान बनाया। निखिल गुप्ता एक भारतीय नागरिक है जो ड्रग्स और हथियारों की तस्करी से जुड़ा हुआ है। चार्जशीट के मुताबिक तथाकथित CRPF कर्मचारी ने निखिल गुप्ता को आतंकी पन्नू को मारने के लिए कहा और उसे लालच दिया कि भारत में उस पर चल रहे केसेस में उसे राहत दी जाएगी। निखिल गुप्ता चूंकि हथियारों का तस्कर है, इसलिए उसने अपने संपर्क में से एक शख्स से ये बात की। निखिल ने इस व्यक्ति से शार्प शूटर का नंबर मांगा। इस व्यक्ति ने शार्प शूटर से निखिल को मिलवाया। निखिल के संपर्क में आया पहला व्यक्ति और शार्प शूटर दोनों ही अमेरिकी खुफिया एजेंट थे जो अंडरकवर काम कर रहे थे। चार्जशीट के मुताबिक निखिल ने आतंकी पन्नू को मारने के लिए जिन दो व्यक्तियों से संपर्क किया, दोनों ही अमेरिकी एजेंट थे। ऐसे में निखिल गुप्ता आतंकी पन्नू को मारने की साजिश अंजाम देने से पहले गिरफ्त में आ गया। तो ये तो जो चार्जशीट में लिखा हुआ है वो हमने आपको बताया और इस तरह से निखिल गुप्ता को खालिस्तानी आतंकी पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में आरोपी बनाया गया है। निखिल गुप्ता को इस मामले में 30 जून को चेक रिपब्लिक से गिरफ्तार किया जा चुका है और उसे अमेरिका लाए जाने की तैयारी चल रही है। इस मामले में अमेरिका ने भारत से भी संपर्क किया है। चार्जशीट आने के बाद ही भारत में इस मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है, यानी एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये बेहद गंभीर मामला है और सुन लेते हैं कि अरिंदम बागची जो कि प्रवक्ता है विदेशी मंत्रालय के, उन्होंने क्या कुछ कहा इसको लेकर। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिस्कशंस विद द यूएस ऑन बायलैटरल सिक्योरिटी कोऑपरेशन द यूएस साइड शेयर्ड सम इनपुट्स पर्टेनिंग टू नेक्सस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स गन रनर्स टेररिस्ट अदर एक्सट्रीमिस्ट वी टेक ऑफ कोर्स सच इनपुट्स वेरी सीरियसली एंड अ हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी has been constituted to look into all the relevant aspects of the matter and necessary follow-up action will be taken based on the findings of the inquiry committee. You would have seen this in our statements that we have issued. We cannot share any further information on such security matters. As regards the case against an individual that has been filed in a US court, allegedly linking him to an Indian official, this is a matter of concern. We have said, and let me reiterate,
that this is also contrary to government policy. The nexus between organized crime, trafficking, gun running, and extremists at an international level is a serious issue for law enforcement agencies and organizations to consider. And it is precisely for that reason that a high-level inquiry committee has been constituted. तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची को आपने सुना, उन्होंने साफ कर दिया कि भारत की इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है और अब क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है तो कमेटी बनाई गई है और इस पर जांच आगे बढ़ेगी। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा में जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, आपको याद होगा, तो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खुले तौर पर भारत सरकार को इस हत्या का आरोपी बना दिया था। इन आरोपों को लेकर भारत ने भी कनाडा को करारा जवाब दिया था, लेकिन पन्नू के मामले में अभी तक ना ही अमेरिका ने भारत सरकार पर कोई तीखी टिप्पणी की है और ना ही भारत ने इस मामले को लेकर अमेरिका से सख्त लहजे में बात की है। दरअसल दोनों ही देशों को अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे का साथ चाहिए। वैश्विक राजनीति में भारत और अमेरिका की दोस्ती पक्की है, मजबूत है, और इसी वजह से आतंकी पन्नू की हत्या की कोशिश में भारतीय का नाम सामने आने के बाद भी अमेरिका ने भारत सरकार को सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा है। लेकिन खालिस्तानी आतंकी गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश में भारतीय शक का नाम आना क्या भारत और अमेरिका के संबंधों पर असर डाल सकता है? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। इस सवाल का जवाब मेरे मन में भी है कि यह सवाल, क्या भारत और अमेरिका के रिश्ते अब बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे कि चल रहे थे? वैश्विक राजनीति के जानकारों की अगर माने तो इस मामले में ना अमेरिका भारत पर कोई दबाव डालेगा और ना ही भारत अमेरिका को निराश करना चाहेगा। दोनों के संबंध क्योंकि एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत और यूएस के रिश्ते अब कैसे होंगे ये देखने वाली बात होगी। हमने देखा कि कैसे यूएस को डॉक्यूमेंट्स ने कहा कि कहीं ना कहीं भारत का हाथ हो सकता है इस पूरे मसले में, जिसके अंदर हमें पता है खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट पन्नून के खिलाफ एक साजिश रची जा रही थी। पर ये सब क्लेम्स हैं, पर इसका इम्पैक्ट भारत और यूएस रिश्तों पे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। दोनों के बीच हमने देखा है कि काफ़ी नज़दीकियां हैं, तब जब हम देख रहे हैं कि चीन एक तरफ से इंडो पैसिफिक में काफ़ी मसले उठा रहा है, और क्या इस पूरे मसले की वजह से भारत और यूएस के रिश्तों में दरारें आएंगी ये भी देखने वाली बात होगी। मैं आपको बता दूं कि जनवरी के महीने में भारत क्वाड का शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा यहाँ भारत में, पर अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, और क्या इस पूरे किस्से की वजह से इस पर इम्पैक्ट होगा ये देखने वाली बात होगी। सिद्धांत सिब्बल, जी न्यूज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, नई दिल्ली। जाहिर सी बात है हर नागरिक के मन में यही सवाल है कि अमेरिका और भारत के संबंध तो कहीं खटाई में नहीं पड़ जाएंगे अब क्योंकि इतना बड़ा मामला सामने आ गया है। Z News.